गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एनिमेशन लगाना। हम अपने ऑब्जेक्ट्स को एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले एनिमेशन होता क्या है। एनिमेशन आर द स्पेशल साउंड और विजुअल इफेक्ट्स एडेड टू द टेक्स्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट में साउंड इफेक्ट डालना और विजुअल इफेक्ट डालना ही आपका एनिमेशन कहलाता है। तो हम यहाँ पर तैयार करेंगे क्लास 9 का सिलेबस है ये, यहाँ इसलिए मैंने क्लास 9 लिया है। हम इस बॉक्स को छोटा कर देंगे, उसके बाद हम सबटाइटल देंगे। हम यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स 40 हम फॉर्मेट मेन्यू से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। हम कलर ऑप्शन पर जाकर कलर चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट साइज, फॉन्ट इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब हम एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाकर पिक्चर पर क्लिक करेंगे। हमारे पास पिक्चर्स हैं, जिस एड्रेस पे आपने पिक्चर सेव की हुई है उस एड्रेस से आप पिक्चर ले सकते हैं। इंसर्ट, यहाँ देखिए हम पिक्चर सेट कर लेंगे कि हमारा टेक्स्ट दबे नहीं। हम इस टेक्स्ट को यहाँ से मूव कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम अपनी पिक्चर को इंक्रीज कर देते हैं पूरे स्क्रीन पर। अब आप इफेक्ट्स डाल सकते हैं। इफेक्ट्स डालने के लिए हमें करना है सबसे पहले एनिमेशन मेन्यू सिलेक्ट। एनिमेशन मेन्यू में हम कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा नो एनिमेशन है, हम यहाँ से एनिमेशन लगाने के लिए हमने करना है एनिमेशन। उसके बाद नो एनिमेशन दिया हुआ है, कोई एनिमेशन नहीं लगा हुआ, तो हम कस्टम एनिमेशन पे क्लिक कर देंगे। कस्टम एनिमेशन क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ टास्क पेन में कस्टम एनिमेशन ऑन हो गया है और हम इफेक्ट्स डाल सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इसका टाइटल है जो स्लाइड का, क्लास 9th। एड इफेक्ट करेंगे हम यहाँ एंट्रेंस, किस तरह से आना चाहिए हमारा क्लास 9th स्क्रीन पर। यहाँ देखिए ये डायलॉग बॉक्स मैंने हटा लिया है और आपको यहाँ दिखाई देगा। जिस तरह से भी हम डिस्प्ले चाहते हैं, जो एनिमेशन हम लगाना चाहते हैं, हमने इसे ओके कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स को क्लिक करेंगे और उसी तरह से ही इफेक्ट डालेंगे। फ्लाई इन डाला है हमने। अब हमारी पिक्चर है, पिक्चर्स पे भी हम सेम तरह से ही इफेक्ट्स डाल सकते हैं। एड इफेक्ट एंट्रेंस, तो अब हम और
हम इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट पूरी स्लाइड का इफेक्ट है। अब हम इसे रन करेंगे इस स्लाइड को, स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम बिगनिंग। एक ही स्लाइड है हमारी, हम माउस क्लिक किया और उसके बाद ओवर। इन इफेक्ट्स का भी हम घटा बढ़ा सकते हैं, टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माउस क्लिक पे हमारा ये जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है, हम इसमें ऐड करेंगे आफ्टर प्रीवियस। और स्पीड भी हम यहाँ सेट कर सकते हैं, मीडियम स्लो। हर एक जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, हमारे यहाँ तीन ऑब्जेक्ट हैं, तीनों ऑब्जेक्ट का ही हमें स्पीड और डायरेक्शन अलग से सेट करनी होती है। किसी इफेक्ट को हम फास्ट भी दिखा सकते हैं, किसी को मीडियम दिखा सकते हैं, किसी को स्लो दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए दोबारा से हम स्लाइड स्लो कर रहे हैं। तीनों इफेक्ट हमारे चेंज हो गए हैं। आज हमने सीखा एनिमेशन लगाना अपने ऑब्जेक्ट्स को। सबसे पहले हमने टाइटल सेट किया, सब टाइटल सेट किया, एक पिक्चर ली, पिक्चर हमने इंसर्ट मेन्यू में जाकर पिक्चर से ली, और फिर हमने एनिमेशन सेट किए। एनिमेशन में हमने एनिमेशन ग्रुप में जाकर टास्क पेन में जाकर और यहाँ हमने अपने इफेक्ट्स डाले हैं। ऐड इफेक्ट्स में हमारे पास चार इफेक्ट्स थे, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिस्ट, मोशन, पाथ्स। यहाँ हमने अपनी मूवमेंट दी है, स्पीड बताई है, रिहर्स टाइमिंग सेट किए हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितने सेकंड के बाद आना चाहिए पहले वाले ऑब्जेक्ट के, और पहले वाले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीनों ऑब्जेक्ट कितनी कितनी देर में डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, थैंक यू। इस स्लाइड में हम मोशन इफेक्ट्स डालना सीखेंगे। आप देखिए कैसे करते हैं हम, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले क्या था। मैंने यहाँ चार ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, चार पिक्चर ली हैं मैंने, इक्वल इनको शेप में ला दिया है, कोई हल्की सी छोटी बड़ी अब यहाँ हम मोशन इफेक्ट्स डालना सीखेंगे और वही आपके साथ आपको करना होगा। एनिमेशन में क्लिक करके और नो एनिमेशन की जगह हमें देना है कस्टम एनिमेशन। यहाँ इफेक्ट्स ऐड करने हैं। सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट चूज करना है, ऐड इफेक्ट्स, उसके बाद मोशन पाथ्स। मोशन पाथ्स में मैंने दिया है इसे राइट। यहाँ देखिए एक एरो बन गया है मेरा और पिक्चर पूरी मूव नहीं हुई है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस एरो को यहाँ बीच तक लाएंगे। मुझे एरो शिफ्ट करके रखना है और इस एरो का साइज बड़ा करना है। शिफ्ट के साथ ही एरो बड़ा होगा। अब नेक्स्ट स्क्रीन को करना है। नेक्स्ट हमें ऑब्जेक्ट लेना है, मोशन पाथ्स। अब मुझे इस पिक्चर को नीचे लाना है, नीचे आ गई है, आपको देखिए। अब मुझे थर्ड पिक्चर सिलेक्ट करनी है, ऐड इफेक्ट्स, मोशन पाथ्स, लेफ्ट। मुझे शिफ्ट प्रेस करके इस एरो को बीच तक लाना है, बड़ा करना है। अब फोर्थ पिक्चर सिलेक्ट की हमने,
वही मोशन पार्ट्स अब अप लेके जाना है। यहाँ बिल्कुल ठीक हमारा इफेक्ट लग गया है। अब हम इस हमें यहाँ से इनके सबके माउस क्लिक हटाने हैं और विद प्रीवियस देने से अभी मैं आपको इफेक्ट्स दिखाऊंगी कि क्या आते हैं। अब देखिए आप स्लाइड शो, और मैं इस पूरी स्लाइड का ट्रांजिशन भी आपको दिखा देती हूँ साथ में, एनिमेशन ट्रांजिशन इफेक्ट भी डाल दिया है हमने। अब हम इसे शो करेंगे, प्ले करेंगे। यहाँ देखिए कितना अच्छा मोशंस आया है। इसी तरह से ही आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी है। अगर आपके घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप अपने फैमिली फोटोग्राफ्स इकट्ठी कीजिए और एक प्रेजेंटेशन बनाइए।